I was tested for dot. ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। जिस्मों से निकल के खून कहे एन इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट्स विद यू ब्यूटीफुल पीपल। अपना ये व्लॉग है जो आने वाला था एग्जैक्टली 15th of August को, लेकिन सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद कारण, लेकिन जैसे कि मैं अपना फ़ोन से अपना डेटा कॉपी नहीं कर पा रहा था लैपटॉप में, तो एक दिन ये व्लॉग डिले हो गया, इसलिए आप आज देख रहे हो, दैट इज 16th of August एंड संडे। लेट्स कंटिन्यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं प्रथमेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल PPL व्लॉग्स पे। तो भाई देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत बारिश से हो रही है, वाह, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जोर से भी बारिश नहीं है, स्लो है, ड्रिजल्स है। ओके, जोर से होगी तो प्रॉब्लम होगी, इट्स बेटर कि भाई ऐसी बारिश हो, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो यहाँ पे आज। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आई वॉज टेस्टेड फॉर डॉट। सो वॉट इज़ दैट भाई? हाँ दोस्तों, कल क्या हुआ था कि कल मेरे सोसाइटी में यहाँ पे टेस्टिंग के लिए BMC के पीपल्स आए थे, डॉक्टर्स थे वगैरह। सो दे वर टेस्टिंग फॉर द पीपल्स, लेकिन क्या, सो उनका जो कैंप था वो कैंप था पूरा, जैसे बोल सकते हैं कि मानसून का कैंप था, मानसून चेकिंग टेस्ट बोल सकते थे। इसमें उन लोग ने क्या क्या किया, चलो जरा वीडियो देख लेंगे। दोस्तों उन लोग चेकिंग कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड विद द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, देन अगेन आगे जाके पे उन्होंने चेक किया अपना हार्ट बीट और अपना ऑक्सीजन रेट। बिकॉज कैसा है कि हार्ट बीट और ऑक्सीजन रेट है जो अपना कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो भी कुछ है, हमें हमारा ऑक्सीजन रेट हमेशा लिमिट में रहना चाहिए, उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रेंज है। तो हो सकता था कि अगर कुछ गलत रेंज दिखाते तो एक सिम्टम्स भी होता है कोरोना का, राइट? तो उसके बाद आगे जाने पर देवा चेकिंग अबाउट द ब्लड, मीन्स एक छोटी सी नीडल वो हमें हाथ में यहाँ पे पॉइंट करते थे और ग्लास के स्ट्रिप पे वो अपना जो है ब्लड हमारा कलेक्ट करते थे। बिकॉज आई थिंक मलेरिया या डेंगू के सिम्टम्स थोड़े से रिलेटेड है उससे, सो देवा चेकिंग दैट एंड एक प्रिकॉशनरी टेस्ट बोल सकते हैं इसे, जैसे उन्होंने कहा था कि ये मानसून टेस्ट है। सो पहली बात, उन्होंने तो बहुत प्रिकॉशंस लिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेयरिंग अ PPE किट्स, सेकंड कि मैं जब गया था तो उन्होंने पहली बात सैनिटाइज करके ही ऑक्सीमीटर में मुझे हाथ रखने दिया, मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन वॉज सैनिटाइज एंड चेक्ड विद द ऑक्सीमीटर। मतलब पहले ऑक्सीमीटर पहले सैनिटाइज करो फिर ही चेक करो, ये चालू था। सो
मैंने यहाँ पे वहाँ के A&M ऑफिसर से भी इंटरव्यू लिया है, वो आप देख लेना। तो दोस्तों अभी जो आपने टेस्ट देखा, मैंने जो किया था ऑक्सीजन लेवल की टेस्ट, तो मेरे साथ अभी है NM मेरे एरिया के म्यूनसिपल हॉस्पिटल के। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट की उनका प्रोसीजर क्या है और क्यों किया जाता है। ये ऑक्सीजन की लेवल इसलिए चेक की जाती है, अगर किसी की कम होती है यानी 95 के कम आएगी तो उसको हम रेफर करेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में, या कोई BMC का हॉस्पिटल रहता है, हमें क्राइटेरिया दिया रहता है तो हम उसको रेफर करके उसको इमरजेंसी में ऑक्सीजन मिल जाता है, उसकी जान बच जाती है। ओके। और जो टेम्परेचर करते हैं चेक, उससे हमें ये पता चलता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो हम उसको शिफ्ट करते हैं। ओके, जो ऑक्सीजन और टेम्परेचर, हाँ, ये दोनों टेस्ट किया जाता है, अगर वो लिमिट के बाहर हो तो आप उसके आगे जो प्रिकॉशंस होते हैं वो आपकी तरफ से दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है, इसीलिए हमारे एरिया में पता चलता है कि अगर ऑक्सीजन कम होएगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे कोरोना का जो चल रहा है इसमें खाली SpO2 तो बहुत ज़रूरी है चेक करना, यानी ऑक्सीजन की लेवल, शरीर में कितना ऑक्सीजन है ये पता चलता है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना था मुझे, कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसा कैंप होता है जब BMC की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो प्लीज़ एक खुद स्टैंड लेना और चले जाना, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहना। बिकॉज कैसा है कि अगर आपको इस कोरोना वायरस से फ्री रहना ही है तो कैसा है कि आपको खुद को पहले सेफ रखना है, अगर आप खुद को पहले सेफ रखोगे तो आप दूसरों को भी रख पाओगे। सो एम आई राइट? तो ये एक है, बिकॉज एवरीथिंग बिगेंस विथ यू, इट इज लाइक दिस, मतलब अगर आप खुद रहोगे सेफ तो आप दूसरों को भी सेफ रखोगे। और एट द एंड ऑफ दैट कैंप उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दिया था, जैसे जिंक का और विटामिन का कुछ गोलियाँ थी खाने के लिए। तो बस यही इतना ही कहना चाहता हूँ और अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ इस वीडियो की तरफ से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो शॉर्ट और स्वीट, शॉर्ट तो नहीं हो गया, अराउंड बड़ा ही हो गया होगा, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, ताकि ऐसे कैंप को वो फॉलो कर पाए। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद एंड बाय बाय। अरे रुको, बेल आइकॉन तो दबाओ, सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक करो। अरे फ्री में यार, क्या आप ऐसा करते हो, दबाने में किसका पैसा जाता है, अरे दबा दो। लेट्स, तो फिर चलो।